वास्तविक इन डिलीशियस रेसिपी में आपका स्वागत है। और आज हम बनाएंगे हरे मटर की पूड़ी, जिसे बनाना बहुत आसान है। जो लोग स्टफ्ड मटर की पूड़ी नहीं बना पाते हैं, भरवा मटर की पूड़ी बनाने में उनको परेशानी होती है, तो इस तरह आसान तरीके से पूड़ी बना सकते हैं और खाने में बहुत टेस्टी लगती है। वास्तविक इन डिलीशियस रेसिपी को सब्सक्राइब करें और वीडियो की तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। तो आइए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमने क्या लिया है। तो ये हमने एक कप हरी मटर लिया है, मैंने इसे धो करके रख लिया है। एक छोटा चम्मच हमने नमक लिया है, नमक हमें स्वाद अनुसार लेना है। दो हरी मिर्च और एक टुकड़ा अदरक का है, मैंने इसे दो टुकड़े में कर लिए हैं। एक छोटा चम्मच हमने जीरा लिया है, जीरा की जगह आप अजवाइन भी ले सकते हैं, सौंफ भी ले सकते हैं, जो भी फ्लेवर आपको पसंद हो इसमें डाल सकते हैं। दो पिंच हमने हींग लिया है और हमने लिया है एक कटोरी आटा। आटा अपने हिसाब से आप ले सकते हैं जितना आपको लेना हो। तो चलिए इसे बना लेते हैं। तो मटर की पूड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम मटर को पीस लेते हैं और इसे मिक्सर जार में डालेंगे। तो मटर के साथ ही इसमें हरी मिर्च भी हम पीस लेंगे, इसके 3 से 4 टुकड़े कर लेते हैं जिससे आसानी से पीस जाए। और अदरक को भी थोड़ा और छोटा कर लेते हैं। इसमें नमक भी डाल देंगे, इसी के साथ ही जीरा और हींग भी डाल देंगे और इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा पानी जिससे आसानी से पीस जाए। 3 से 4 चम्मच पानी डाल देंगे और कोई मसाला डालने की जरूरत नहीं है इसके अंदर, इसे हम बारीक पीस लेंगे। तो चलिए हम मटर को चेक कर लेते हैं और आप देख सकते हैं मटर की पेस्ट हमारी बहुत अच्छी तरीके से पीस कर तैयार हो चुकी है। तो इसे हम एक बड़े बर्तन में डाल लेते हैं जिसमें हमें आटा गूंथना है। तो मैंने मटर की पेस्ट को एक बड़े बर्तन में निकाल लिया है। तो अब हम इसके अंदर आटा डालेंगे। तो थोड़ा थोड़ा आटा डालेंगे हम, हमें अलग से पानी नहीं डालना है और इसी पेस्ट के अंदर ही हम आटे को गूंथेंगे। पहले इसे मिला लेते हैं, आवश्यकता होगी तो और भी आटा लेंगे। तो डो हमारा तैयार हो गया, आप देख सकते हैं इसमें हमें और ज्यादा आटा डालने की जरूरत नहीं है और इतना आटा हमारा बच चुका है। तो इतना आटा हमारा बच गया है, इसे हम नहीं डालेंगे। इसे हम इस तरीके से मिक्स करने के बाद थोड़ा सा हम इसके ऊपर तेल डालेंगे और पूरे डो में लगा देंगे। मैंने आटे के अंदर तेल नहीं डाला है, आपको अगर तेल ज्यादा पसंद हो, क्रिस्पी पूरी खानी है तो आप तेल भी ला सकते हैं। तो बस इसके ऊपर से हम लगा देंगे और इसे ढक करके 10 मिनट के लिए हम रख देंगे। तो 10 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए हम डो को चेक कर लेते हैं और इसे हम इस पाटे पर रखेंगे और इसे मसल लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा बहुत ही मुलायम, बहुत ही सॉफ्ट डो बनकर तैयार हो गया है। तो चलिए इसकी हम छोटी छोटी गोलियां तोड़ लेते हैं। जितनी बड़ी हमें पूड़ी बनानी है उस हिसाब से हमें इसकी लोइयां तोड़नी है। इसे रोल कर लेंगे और इसे छोटे छोटे टुकड़े हम तोड़ लेंगे। तो चलिए हमने इसकी लोइयां तोड़कर तैयार कर ली हैं, तो हम इसकी पूड़ी बना लेते हैं। तो इसे इस तरीके से गोल करेंगे, हल्का सा दबा लेंगे और इसमें सूखा आटा लगाएंगे और इसे बेल करके इसकी पूरी तैयार कर लेते हैं। चारों तरफ घुमाते हुए किनारे से हमें इसे बेलना है जिससे बीच में मोटा न रह जाए। तो हमने 4 पूरियां बनाकर तैयार कर लिया है। तो चलिए इसे हम डीप फ्राई कर लेते हैं। तो इसे तलने के लिए मैंने गैस पर कढ़ाई रख दी है और मैंने कढ़ाई में मूंगफली का तेल डाला है। आप चाहे तो घी भी डाल सकते हैं और अपने पसंद का कोई भी तेल डाल सकते हैं जिसमें आप पूरियां बनाते हैं। तो तेल हमारा अच्छे से गर्म होना चाहिए पहले। तो तेल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें से अच्छी सी हीट आने लगी है। तो हम तेल के अंदर एक पूरी डालेंगे और आंच को हम मीडियम रखेंगे। तेल हमारा अच्छे से गर्म होना चाहिए, इस तरीके से थोड़ा सा ऊपर हम तेल डालेंगे और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से हमारी पूरी खोलकर तैयार हुई है। तो इसे हम कुछ सेकेंड के लिए एक साइड में, नीचे की साइड में तलने देंगे और फिर इसे हम पलटेंगे। इसे पलट लेते हैं, आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आ गया है इसका, गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। तो नीचे की साइड में भी 1 मिनट तक इसे हम तल लेंगे और दूसरी पूरी भी डाल देंगे इसके अंदर। इसके ऊपर तेल डालेंगे। इसे भी पलट देंगे और ये पूरी हमारी तलकर तैयार हो गई है। इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे
तो ये भी पूरी हमारी तलकर तैयार हो गई है, इसे भी हम निकाल लेते हैं और इसी तरीके से सारी पूरियों को हम तलकर तैयार कर लेंगे। तो अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो आप इस तरीके से हरी मटर की पूरी बनाइए, खाइए और आपकी पूरी कैसी बनी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।